हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स. तो माय नेम इज़ शैलेंद्र सिंह भदौरिया. करेंटली आई एम वर्किंग इन रामा यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर. सो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ मिक्सिंग. एज वी नो व्हाट इज़ मिक्सिंग, मिक्सिंग इज जनरली मेथड वेयर वी टेक टू डिफरेंट मास एंड पुट टुगेदर. ठीक है, मिक्सिंग में हम करते क्या हैं? वैसे हमने कोई दो मास लिया है. ठीक है, दो मास हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हमारा सॉलिड का भी हो सकता है, वो हमारा लिक्विड का हो सकता है, वो इमिसिबल हो सकता है, वो सॉलिड लिक्विड मिक्स ऐसा हो सकता है. अब मिक्सिंग की डेफिनेशन की बात करें, मिक्सिंग की डेफिनेशन होती क्या है? मिक्सिंग इज़ द प्रोसेस दैट टेंड टू रिजल्ट डिससिमिलर पार्टिकल विद अ सिस्टम. मतलब एक किसी सिस्टम में डिससिमिलर पार्टिकल, क्योंकि जैसे अब देख रहे हैं मिक्सिंग में हमारा कुछ पाउडर होगा, तो पाउडर हमारे जब मिक्स करेंगे किसी हमारा व्हीकल में डाल के, जो ऑयल भी हो सकता है हमारा, कोई भी लिक्विड भी हो सकता है, तो उसमें जब हम डालेंगे तो उसमें कुछ डिससिमिलरिटी होंगी, तो कुछ ग्रैन्यूल्स होंगे. तो उन सारी चीज़ों के लिए हम करते हैं क्या, मिक्सिंग. अब मिक्सिंग में कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे हैं आपके ब्लेंडिंग, ठीक है, मिक्स, मिक्सिंग. तो ब्लेंडिंग क्या होती है और मिक्सिंग क्या होती है? मिक्सिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ आप दो किसी मास को मिक्स करते हो साथ में. लेकिन ब्लेंडिंग में भी ऐसा होता है, लेकिन ब्लेंडिंग का वो आपके एक मास को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, जो उसका टेक्सचर होगा स्मूथ होगा एज कम्पेयर. अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मिक्सिंग का क्लासिफिकेशन कितने होता है, तो हमने उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया. देखिए, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ मिसिबल लिक्विड और मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट. ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका सेमी सॉलिड. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड में हम क्या करते हैं, हमने अपना कोई एक पाउडर लिया, उस पाउडर को हमारे पास जो एपरेटस है, डबल कोन ब्लेंडर है, वी कोन ब्लेंडर और रिबन ब्लेंडर, इनमें हमने अपना एक पर्टिकुलर मास डालेंगे, जो दो पाउडर लेंगे, दो उनको अपने अपने मिक्स करेंगे और उसको हम कुछ रोटेशन के लिए रख देंगे. कुछ समय पर आप देखोगे कि वो पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, सेकेंड फिर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड. मिक्सिंग ऑफ के लिक्विड क्या है, जब आपने कोई भी कंटेनर लिया, दो लिक्विड हैं आपके, दो लिक्विड कोई से भी हो सकते हैं, या फिर ऑयल का भी हो सकता है, या फिर कोई अल्कोहलिक प्रिपरेशन आप जो साथ में जो भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अगर ऑयल की मिक्सिंग करनी होगी तो कुछ एपरेटस की जरूरत पड़ेगी. उस एपरेटस में आपके आते हैं प्रोपेलर्स, टर्बाइंस, पैडल. ये प्रोपेलर्स आपके कैसे होते हैं, ये प्रोपेलर्स आपके इस शेप के होते हैं. ठीक है, ये ऐसे आपके प्रोपेलर्स होते हैं. ये प्रोपेलर्स आपके रोटेट करते, जब रोटेट करते हैं तो इसमें मिक्सिंग को यूनिफॉर्मिटी लाते हैं. ठीक है, और जैसे आपने टरबाइन देखी होगी, टरबाइन कैसी रहती है, ठीक है, तो ये टरबाइन ऐसे, ठीक है, टरबाइन का क्या करेगा, सेम जैसे काम उसका प्रोपेलर का प्रोसेस ऐसा ही है. टरबाइन हमारी क्या करेगा, लिक्विड की मिक्सिंग में हेल्प करेगा. पैडल्स हमारे क्या था, पैडल्स हमारे एक सिंगल टाइप के रहते हैं, ऐसे ये हमारे पैडल्स रहेंगे, जिनको आप अपने बीकर में या फिर किसी में भी में रखेंगे और आगे करते चले जाएंगे. फिर बात आती है अगर इमिसिबल लिक्विड की. इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड हमारे होते हैं जैसे ऑयल इन वाटर, ठीक है, वो आ रहे हैं, उनकी हमको मिक्सिंग करनी है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिल्वरसन इमल्सीफाइड यूज़ करेंगे और कोलाइडर मिल यूज़ करेंगे. इनका हम जनरली यूज़ करते हैं इमिसिबल लिक्विड के लिए. फिर हमारे आती है आखिरी में सेमी सॉलिड प्रिपरेशन. सेमी सॉलिड क्या होता है, जहाँ आपका पार्टिकल मटेरियल जो सॉलिड भी है लेकिन लिक्विड भी, तो हमको उस कैटेगरी में कर देंगे सेमी सॉलिड. उसमें हम यूज़ करेंगे ट्रिपल रोलर मिल. तो स्टूडेंट, आज के इस मिक्सिंग प्रोसेस में हमारा मेन टॉपिक क्या है, क्या हम किस पीछे बात करेंगे, हमारा मेन टॉपिक रहेगा डबल कोन ब्लेंडर. ठीक है, डबल कोन ब्लेंडर जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, देखिए डबल कोन, यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल कोन है, ये एक डमरू के आकार का है. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं नीचे यहाँ पे स्टैंड लगे हैं कुछ, यहाँ पे आप अगर चाहे अपना मटेरियल यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, तो ईजी टू है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको अप्लाई करने में. ठीक है, जैसा ये देखिए क्या लिखा है, अगर इसको देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल कोन शाफ्ट, दो को शाफ्ट लगे हैं, आप यहाँ से भी यूज़ करें
और हम इसका यूज़ किस में करते हैं, इसमें इसका यूज़ हम करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर के लिए, ठीक है। फिर अच्छा हमारा इस जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो हमको ये भी चेक करना होगा कि हम इसमें कितना रोटेशन दे रहे हैं। तो रोटेशन चेक करने के लिए हम इसमें क्या कैसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि रेवोल्यूशन पर मिनट एक सेट करते हैं। ये क्या होता है, हमारा 3200 RPM पे हमारा ये रोटेट करेगा, इसी रोटेशन पे ये वर्क करेगा, उतने उसी में ही बेसिस पे वो हमारा काम होगा। ये सारी हमारी रहती है IP के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे जो हमारे IP में दिए गए। अब अगर बात करें इस डबल कोन ब्लेंडर में या फिर वी कोन ब्लेंडर में मिक्सिंग हो कैसे रही है, मिक्सिंग अकर हो रही है ट्रम्बलिंग मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं समझ, अच्छा ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं वी कोन ब्लेंडर, ठीक है, वी कोन ब्लेंडर जैसे हमारा इसमें नाम बता रहा है कि हमारा कोई भी ब्लेंडर होगा जो वी के शेप का होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे इसमें साइड में स्टैंड लगे होंगे, ठीक है। यहाँ ये आपके रोटेशन के लिए रहूँगा, उसको मिक्स करने के लिए रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आपका रोटेट भी करेगा, ठीक है। आपने यहाँ से एक अमाउंट डाल दिया, ठीक है, सेम जैसे इसमें प्रोसेस हो रही थी इसमें भी हम एक RPM सेट करेंगे। RPM हमारी कितनी होगी, हमारी 3200 RPM सेट रहेगी, जो मोशन के थ्रू होगा ये थ्रम्बलिंग मोशन होगा उसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। अब जब हम मिक्स करते हैं सिल्वरसन, और ये हो गया है हमारा इमिसिबल के लिए। अच्छा आप अब ये देखोगे यहाँ पे एक लिखा है रिबन ब्लेंडर। रिबन ब्लेंडर क्या होता है, रिबन ब्लेंडर आपका सेम ऐसे ही है लेकिन इसका शेप क्या होता है, इसका शेप रिबन के शेप का होता है ऐसे, ठीक है। ये लगभग ऐसा शेप रहता है जिसमें आप अपने कोई भी अपना पाउडर डाला, ठीक, पाउडर को रखा और ये इसमें आपको वो मिक्स कर रहा है। अच्छा अगर हम बात करें कि हम मिक्सिंग फार्मास्यूटिक्स में यूज़ क्यों करते हैं, मिक्सिंग का मेन हमारा क्राइटेरिया कि हमको अपने फॉर्मुलेशन को एक यूनिफॉर्मिटी लानी है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा फॉर्मुलेशन, हमारी फॉर्मुलेशन अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो उससे प्रॉब्लम ये आएगी कि कंटेंट जो आपका होगा तो अनइवन सा लगेगा, ठीक है, उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स ले जाएंगे। जब आप पाउडर लेते हो, ठीक है, और पाउडर को आपने किसी लिक्विड में मिक्स करो तो उसमें आप देखोगे छोटे छोटे कुछ ना कुछ ग्रेन्यूल्स रह जाते हैं। और अगर आप सेम वही ग्रेनुलेशन वाली फॉर्मुलेशन मार्केट में लेके जाएं तो पर्सन जो वो आगे यूज़ करेगा वो उसको सेटिस्फैक्ट्री रेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं इससे पहले, जैसे हमारा मिक्सिंग है ऐसे ही हमारी और भी प्रोसेस रहती है। जैसे हमारा सबसे पहले हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम फार्मेसी में इसमें तो साइज रिडक्शन होता है, साइज रिडक्शन के बाद क्या होता है हमारा साइज सेपरेशन, ठीक है। लेकिन अब हमने हम मिक्सिंग में क्या किया, हमने दो मास लिया और उसको एक साथ में मिक्स करके अपना कर दिया। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो हमारी मिक्सिंग, ठीक है, दो मास हम कोई लेंगे तो कोई मास होगा जिस एक मास को हमने मिक्स किया है, ठीक है। आइडल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर चेक करें कि आपकी मिक्सिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, प्रॉपर होने का ये है कि जब आप मिक्स करोगे तो उसमें आपके कोई ग्रेन्यूल्स नहीं बनेंगे, जो आपका लिक्विड का टेक्सचर है वो स्मूथ रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर जब बात करते हैं एडवांटेज की, जैसे हमारी कोई भी असेंबली है तो उनका कुछ एडवांटेज होता है डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि आपका इजी टू हैंडल है, ऐसा नहीं नीड है कि आपको एक स्पेसिफिक पर्सन की नीड है या जो आपको वही है, एक नॉर्मल पर्सन वो इसको हैंडल कर सकता है। इसमें क्लीनिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना यहाँ से शाफ्ट ये देख रहे हैं, ये शाफ्ट आप यहाँ से ऑन कर लोगे, ये ओपन कर लोगे यहाँ से हटा के और आप इसकी क्लीनिंग ईजिली कर सकते हो। अगर आपको ड्रग की पार्टिकल की लोडिंग करनी है, अनलोडिंग करनी है, उसमें भी आराम से हो जाएगा। आप इसको रोटेट करोगे, ठीक है, जब भी आपका ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, तो रोटेट ईजीली हो जाएगा। अच्छा मेंटेनेंस इसका ज़्यादा चार्ज नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज इसका कम है तो हम इसको ईजिली टू रख सकते हैं। अच्छा दिक्कतें क्या आती हैं, दिक्कतें ये हैं कि इसमें हम स्मॉल ही अमाउंट का लेते हैं, कि मतलब अगर हमको लार्ज अमाउंट का करना है पार्टिकल का मिक्सिंग करनी तो वो नहीं होता, ये सारी चीज़ें। और मेन थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी लोड
की प्रोसेस रहती है। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ क्लोज होता है। नेक्स्ट सेशन में जब होगा तो हम आगे बात करेंगे प्रोपेलर्स की, कैसे ये काम करते हैं, बाकी सिल्वरसन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल। थैंक यू।